कैलाश सोनी जी, श्री कैलाश सोनी। माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और साधुवाद प्रेषित करना चाहता हूं। उन्होंने इस बजट में हिंदुस्तान के एक्यूरेट दर्द पर उंगली रखने का प्रयास किया है। ये बजट हिंदुस्तान के सभी वर्गों के लिए, सभी उम्र के लिए, काम करने के लिए, उनके कष्टों को दूर करने के लिए इसमें प्रयास किया गया है। यदि हम बजट को बारीकी से देखें तो हिंदुस्तान के गांव, गरीब और किसान, इनके लिए कभी पूज्य महात्मा जी ने कहा था कि गांव का हिंदुस्तान, यदि गांधी को आत्मसात करने का यदि प्रयास किया है तो वर्तमान सरकार ने किया है। स्वच्छता के रूप में गांव के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था, जो दर्शन था, इस हिंदुस्तान के सबसे नीचे पीछे दबे कुचले आदमी को जब तक के हम बराबर की पंक्ति में खड़ा नहीं करते, उस आदमी के लिए यह बजट समर्पित है। और तीसरी और विभूति इस देश की, जिन्होंने पॉलिटिकल एटीट्यूड पे, एक एक एटीट्यूड पे जितना लिखा है और कहा है, उनके नीति वाक्य को मैं कहना चाहता हूं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा कि जब कभी तुम्हारी गैर कांग्रेसी सरकार बन जाए तो क्या करना, दावतें खाने में, फूल माला पहनने में वक्त बर्बाद मत करना। और कब तक नहीं करना, जब तक के ऐसे कानून कायदे ना बन जाएं जिससे जनता कहे कि यह हमारी अपनी सरकार है। और जनता ने 2014 के निर्णय के बाद कह दिया है कि हमारी अपनी सरकार। ये मेंडमस हमें याद नहीं आता, हम राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी रहे हैं, एक युग है राजनीति के, कभी किसी सरकार के लिए कि वो फिर से बन जाए, ऐसा जुनून हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में कभी देखा नहीं गया। माननीय मोदी जी की सरकार के लिए, फिर से बनाने के लिए जिस तरह का जनादेश दिया गया है, बंधुओं, माननीय सभापति जी, मूल रूप से यह हो गया कि हिंदुस्तान में दर्द कहीं और था, मलहम कहीं और लगाते रहे। आधी शताब्दी जिन्होंने बजट बनाए, लेकिन गांव, गरीब और किसान, जहां 65-70% आबादी है, उसके साथ जो पाप किया है, मांसजीवी देश तो कमर, किसान की कमर में टेका लगाने का प्रयास करते रहे, लेकिन हमारे यहां कोई भी विपत्ति आ जाए, कोई भी किसान के ऊपर विपत्ति और आपदा आ जाए, इल्ली, ओला, तुसार, पाला, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, क्या किया तुमने, क्या एकड़ पीछे क्या प्रावधान किया, क्या माननीय सभापति जी, किसान का जो सबसे बड़ा दर्द है वो है उसकी विपत्ति में सरकार उसके साथ कितना खड़ी है। वर्तमान सरकार ने बिल्कुल निर्विघ्न कर दिया किसान को फसल बीमा लाने के बाद, और जो किसान का सबसे बड़ा दर्द था, माननीय सोनी जी एक मिनट और आपके लिए समय, एवरीथिंग इज देयर, जो उसकी फसल का दाम है उसके लिए कितने बार तुमने समर्थन मूल्य घोषित किए, लाभ का, लागत का 1.5 गुना, और अभी जो अभी पराकाष्ठा कर दी है कि अभी प्रधानमंत्री प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत क्लियर कट 75,000 का प्रावधान। माननीय सभापति जी, सारे आंकड़े और सारे विद्वजनों ने अपनी अपनी बात कही है, मैं एक नायाब सुझाव देना चाहता हूं। कभी कभी
कपिल सिब्बल जी ने कल बात उठाई थी ग्राउंड वाटर लेवल की, सारी दुनिया की चिंता और चुनौती जल है। जल के ऊपर हम अपनी सरकार से कहना चाहते हैं कि अभी बरसात का मौसम शुरू हुआ है, तत्काल यदि हम कोई ग्राउंड वाटर लेवल के लिए प्रयास कर सकते हैं तो वो है हमारी किसानों की बरसात की फसल मैं को दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा, प्रोत्साहन राशि। माननीय सोनी जी खत्म करें, दूसरे स्पीकर को मैं बुलाऊंगा आपके माध्यम से। केवल एक क्षेत्रीय बात, चूंकि रेल बजट पे समय निर्धारित नहीं हुआ है, हमारी बहुत बड़ी मांग 1970 से हम करते आ रहे हैं, इसका अभी आपके ऊपर सर्वे रिपोर्ट सबमिट हो गई है। ये सागर से नरसिंहपुर होते हुए छिंदवाड़ा होकर के नागपुर रेल लाइन, कभी स्वर्गीय हरि विष्णु कामत जी ने भी इस बात को उठाया है, तो हम चाहते हैं कि बजट में इसके लिए अलॉटमेंट करें। और एक और जो दर्द हिंदुस्तान भर का दर्द है, धन्यवाद आम आदमी के लिए, धन्यवाद सामान्य वर्ग की बोगी हिंदुस्तान की हर गाड़ी में लगाए जाने के लिए मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं।